और काफ़ी मतलब कि हैवी अमाउंट, ये हैवी अमाउंट में करता है ये फ्लावरिंग, एकदम से करता है फ्लावरिंग सारी तो, लेकिन टाइम लेता है काफ़ी, ऐसे नहीं कि हाँ विद इन 2 मंथ्स, काफ़ी टाइम लेता है ये प्लांट, ये फ्लावरिंग करने में। लेकिन फूल रहते हैं इसके, 10 से 15 दिन फूल खिले रहते हैं। पानी की बात है, सर्दियों में मतलब कि जैसे आप दूसरे प्लांट्स की केयर करते हो, जैसे हार्डी प्लांट्स होते हैं, बस पानी उनको मैं 3-4 दिन बाद देती थी। अब काफ़ी ड्राई ड्राई खुश्क सी हवाएं चल रही हैं, मॉइस्चर कम हो रहा है हवा में, धूप भी देखिए काफ़ी तीखी निकलने लगी है। इधर वाले गमले भी देखिए, ये भी डेजी है जी, जो आप वाइट देख पा रहे हैं ये भी डेजी है, और धूप वगैरह निकल रही है तो पानी अब इनको रोज़ चाहिए। और काफ़ी तूफान सा चलता है ना, तो जो एक अपर लेयर होती है पॉट्स की वो सूख जाती है, लेकिन पानी कम ज़्यादा हो गया तो ऐसे प्लांट ये मरने वाले नहीं हैं। ये प्लांट मैं 3 वैसे लेके आई थी, ये वाले मैं सैपलिंग्स लेके आई थी, ये देखिए इसमें 3 प्लांट्स हैं और एक वेरा, ये अभी तक उसी में पड़ा पॉली बैग में, ये तो इधर स्टॉक वगैरह है। तो ज़्यादा केयर किसकी ज़रूरत नहीं है, फूल काफ़ी अमाउंट में आपको देता रहेगा, काफ़ी मतलब कि हैवी करता है ये फ्लावरिंग, और अलग अलग कलर्स में आएंगे फ्लावर, ये भी इसकी मतलब कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है इस प्लांट की, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कलर में आपको फ्लावर देगा। पानी वगैरह देख लीजिए, और 12 इंचज़ में 3 प्लांट वगैरह लगाएंगे तो आपकी अच्छी खासी ग्रोथ करेगा। और अगर आप डायरेक्ट ग्राउंड में लगा रहे हैं, लैंड में, तो और भी ज़्यादा इसकी हाइट भी बढ़ती है, और मतलब कि प्लांट उससे भी ज़्यादा हेल्दी होता है तो फूल उससे भी ज़्यादा आएंगे। वर्मी कंपोस्ट मैंने सारे मेरे प्लांट्स को, इनको एक एक बार दी हुई है पूरे सीज़न में, एक बार नर्सरी वाले वो कह देते हैं कि हमने डाली हुई है अभी, और लाने के बाद मैंने सिर्फ एक बार इनको खाद दी हुई है सारे को इकट्ठी, एक दिन दे दी थी आज से 15-20 दिन पहले की बात है। और ये वाला प्लांट तो मतलब कि मस्ट हैव है, ये होने चाहिए। हाँ एक बात और, इसकी काफ़ी हाइट होगी, इनकी 3 फीट तक हाइट होगी है। ये ही आते हैं जैसे आते नहीं क्रिसेंथमम छोटे वाले, उसमें जिसमें फ्लावर्स ज़्यादा होते हैं, तो वो वाले भी होते हैं। आप सोचोगे जैसे मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, इसको भी डाइमोर कहते हैं, लेकिन नर्सरीज में ये प्लांट काफ़ी छोटे होते हैं, कैसे बताऊँ, एक फुट की हाइट समझ ले रहे हो आप, जैसे वो होते हैं ना पूरे भरे हुए क्रिसेंथमम वगैरह पूरे ऐसे गुच्छे में, उतनी उतनी हाइट इनकी होती है। वो होते हैं हाइब्रिड, ये हाइब्रिड हैं ये वाले, लेकिन मैंने इनकी पिंचिंग नहीं की तो इनकी भी हाइट होगी, लेकिन इनके कंपैरेटिव फिर भी कम है। ये देसी वाले हैं, ये हाइब्रिड हैं। हाइब्रिड में अगर मैं इनकी ऊपर से पिंचिंग करती तो इसने बहुत खुशी बन जाना था, इस 3 प्लांट्स ने पूरा पॉट कवर कर देना था। चलो अब अगले साल देखेंगे, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता था इस प्लांट के बारे में, तो अब जब नेक्स्ट ईयर इसके सीड्स तो बन ही जाएंगे नेक्स्ट ईयर, फिर थोड़ा जल्दी भी लगा लेंगे, और पिंचिंग इसकी मैं टाइमली करती रहूँगी। पिंचिंग करते रहेंगे तो काफ़ी मतलब कि अच्छे से पूरा पॉट भर जाता है, लेकिन वैसे तो ये भी पॉट पूरा भरा हुआ है, काफ़ी हाइट पे जाके फ्लावरिंग की हुई है इसने, तो ये भी काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। क्योंकि हर तरीके के प्लांट चाहिए, ये छोटे वाले भी हैं, ये कैलेंडोला वगैरह, ये जैसे मैमुलस हो गया, पिटूनिया हो गया, सिनरेरिया हो गया, सारे प्लांट छोटे ही हैं। तो मुझे पता चल गया था बाद में, ये नहीं कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था, जब मैं नर्सरी गई तो वो कह रहे थे इनकी पिंचिंग कर देना, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये वाले प्लांट मुझे अच्छे लग रहे थे, काफ़ी बड़े बड़े, जैसे 5-6 प्लांट तो ऐसे हों ही थोड़ी हाइट वाले। ये हो गया, वो हो गया डेजी, में पास में जाकर दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छा है। और वो डेलिया सिंगल पेटल, काफ़ी हाइट पे जाके काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है, ये वाले डेलिया इधर खेल रहे हैं, ये देखिए कितना प्यारा है। अच्छा मैं थोड़ा सा इसमें ना, मैं अभी नया नया काम भी शुरू किया मैंने, ये वाला लाइव वाला मुझे पता नहीं था, तो उसमें मैं करके देख रही हूँ आपको लाइव दिखा के, कि ये वाला भी इसमें क्या कहते हैं उसे, ग्लैमर बीम, लेकिन अच्छा तो उसी में लग रहा है। जॉन इसमें कैसा लग रहा है, मतलब बारिश सी हो रही है, बारिश हो रही है क्या, छोटी छोटी बारिश गिर रही है। अच्छा, हाँ नॉर्मल वाले में अच्छा लग रहा है ना। और